नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए पनीर भुर्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, और इसमें मैंने दो बड़े प्याज जो है चॉप करके मिक्स कर दिए हैं इसमें। और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है। और उसके बाद में मैंने इसमें लहसुन, जो कि 3-4 लहसुन की कलियाँ जो हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें मिक्स कर दिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, और उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। बस थोड़ा सा ही इनको भूनना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है। और ये करीब 2 हरी मिर्च थी जो कि मैंने इसमें काट के डाल दी है, और ये 2 टमाटर छोटे साइज़ के थे जो कि इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। और टमाटर को भी सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ही भूनना है। और उसके बाद में बाकी मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच हरी धनिया डाल देते हैं, गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे, और आधा चम्मच लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और बस इन मसालों को भी हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और बस उसके बाद में ये देखिए मैंने फ्रेश पनीर तैयार किया था घर में, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके लिए मैंने पनीर तैयार करने के लिए 1 लीटर 1.5 लीटर दूध था जिसको सिरका डालकर पनीर तैयार कर लिया था। और उसके बाद में ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये घर का फ्रेश पनीर है, और इस रेसिपी के लिए फ्रेश पनीर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है इस तरीके से। और बस ये इसमें मैंने 2 चम्मच जो है दही डाल दिया है। दही डालने पे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर डालें। और बस इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, और ये खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी रेसिपी लगती है, और बस इस तो और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें बस मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे इसको हरी धनिया से, और मुश्किल से इसमें 10 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास फ्रेश पनीर तैयार है तो आपको इसमें 10 मिनट लगेगा, इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बस ये देखिए आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई। इसको आप पूड़ी, पराठे, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। और बस ये इस तरीके से देखिए मैंने तैयार कर लिए और इसको सर्व कर दिया। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब